ये है बीपीए नेटवर्क और आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। कनवास तहसील के ग्राम आवा के निवासी रतनबाई पत्नी रामावतार जाति मेघवाल के द्वारा कनवास उपखंड अधिकारी राजेश टागा को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया था कि प्रार्थी की आराजी माल ग्राम आवा में खसरा नंबर 2061, 2065 व 2064 पर जाने का एकमात्र प्रचलित रास्ता पीडीओ से था। उक्त रास्ता खसरा नंबर 2075, 2073 व 2066 की मेड़ से होकर जाता है। उक्त रास्ते में खसरा नंबर 2067 के खातेदार भूलीबाई व गोपालीबाई मेघवाल के खाते दर्ज रिकॉर्ड है, जिससे रास्ते की भूमि को फाड़ कर अपने खेत में मिला लिया गया है, जिससे प्रार्थी के खाते की भूमि का रास्ता बंद हो गया है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर तुरंत सुनवाई करते हुए एसडीएम राजेश टागा द्वारा प्रार्थी गणों को न्यायालय में बुलाया गया व समझाइश की गई। इस पर दोनों पक्षकारों की सहमति बनी कि अब प्रार्थी गण रामचंद्र एवं पुरुषोत्तम जो भूली बाई के जमाई हैं एवं गोपाली बाई के पति द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि अब प्रार्थी गण को खसरा नंबर 2067 में से 10 फीट चौड़ाई का रास्ता ट्रैक्टर व खाद बीज अपनी उपज ले जाने हेतु देंगे तथा इस रास्ते को प्रार्थीगण किसी भी प्रकार से बाधित नहीं करेंगे। प्रार्थीगण इसी रास्ते से पैदल अपने खेत पर आ जा सकते हैं। प्रार्थी इस पर दोनों पक्षकारों की आपसी सहमति से व एसडीएम की समझाइश से दोनों पक्षकारों ने विवाद को यही समाप्त कर प्रकरण का निस्तारण कराया गया। इस प्रकार समझाइश करने के उपरांत विवादित भूमि का निस्तारण किया गया, जिसका सभी पक्षकारों द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया। इस तरह कनवास उपखंड में अब तक 64 विवादित रास्तों का निस्तारण पक्षकारों की आपसी सहमति से कराया जा चुका है। बीपीएनयू संवाददाता किशोर तंवर की रिपोर्ट। कनवास कोटा राजस्थान से खबर।